हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का समय है और मेरा झाड़ू हो चुका था, पोछा भी लग चुका था और रिद्धू को मैंने स्कूल भी भेज दिया था और मैं नहा के पूजा करके किचन में आ गई थी। तब तक मैंने देखा कि रिद्धू वापस आ गया। उसको देख के मैं थोड़ा शॉक थी कि वापस क्यों आ गया। तो फिर हुआ ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जब रिद्धू स्कूल से निकला। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि पानी भर गया था और गाड़ी थोड़ी सी दूर पे आती है, बस जो उसकी आती है, तो वहाँ तक थोड़ा पैदल लेके जाना पड़ा था। और वो स्कूटी से नहीं गए थे या गाड़ी से नहीं गए थे, पैदल ही लेके गए थे उसके बाबा। तो बस निकल गई थी पैदल जाने के चक्कर में और फिर वो उसको लेके वापस घर पे ही आ गए थे। मैं देख के शॉक्ड हो गई थी, जिद्दू घर पे वापस आ गया। मेरी पूरी मेहनत सुबह की बर्बाद हो गई और सुबह मेरा जल्दी उठना भी बर्बाद हो गया, क्योंकि जिद्दू स्कूल जाता है तो मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो आज मैं बना रही थी आलू का पराठा और प्याज का पराठा। प्याज का पराठा मुझे बनाना नहीं आता है, तो प्याज के पराठे की सारी प्रिपरेशन मम्मी ने की थी और आलू के पराठे की मैंने की थी। तो दोनों ही पराठे काफ़ी टेस्टी बने थे और प्याज का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। नहीं आशी, आशी अभी दोपहर का समय है और रिद्धू को भूख लग गई है फिर से। और ये भूख खाने की नहीं है बिल्कुल, ये एक भूख लगी है सिर्फ फालतू की जो चीज़ें खाने की होती है उसकी। तो उसको मैगी खाने की भूख थी और मैगी बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगता है, पर रिद्धू राशि की वजह से मुझे लग गया आधा घंटा, क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो आशी को मुझे साथ में किचन में लेकर आना पड़ा। और रिद्धू एकदम नाटक करके रखा था कि मुझे खाना है, अभी खाना है, अभी खाना है, और रिद्धू भी उसको देख के उसी के साथ किचन में आ गया, तो दोनों को संभालना इतना मुश्किल हो गया। मैगी से ज़्यादा इन दोनों ने मुझे पका दिया था, मैगी कम पक रही थी, मैं ज़्यादा पक रही थी इन दोनों से, पर फाइनली मेरी मैगी बन ही गई थी। फिर उसके बाद मैंने रिद्धू को मैगी दी, तब तक बाकी मेंबर्स भी आ गए थे घर में, तो मैंने सबके लिए फिर चाय भी बनाई। तो उसके बाद सिर्फ चाय नाश्ते इन सबके बर्तन इतने हो गए थे। फिर मैंने सारे बर्तन वर्तन धोए, फिर आशी को सुलाया, उसके बाद फिर और मैं रेडी हुई, क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी, 6 बज रहे थे, तो मैं रेडी हुई क्योंकि मार्केट जाना था। तो मैं, गोलू और रिद्धू तीनों लोग रेडी होके मार्केट के लिए निकले। तो हम लोग आए थे केक लेने के लिए, क्योंकि हिमांशु का कल बर्थडे है और रात में केक काटने वाले हैं उसके लिए, तो इसीलिए हम लोग उसके लिए शाम को लेने आए, क्योंकि दिमाग में ही नहीं था दिन में कि उसके लिए केक भी लेके आना है, क्योंकि हर साल सोनू लेके आते हैं, इस बार सोनू अवेलेबल नहीं थे घर पे, तो हम ही लोग को जाना था और 6 बज चुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग घर आए, फिर घर पर आए तो अभी इस टाइम 7 बज रहा था। और आने के बाद फिर से सबके लिए मैंने चाय बनाई और शाम को थोड़ी बहुत भूख तो लगी जाती है क्योंकि दिन बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा बहुत स्नैक्स और नमकीन मैंने चाय के साथ सर्व की खाने के लिए, क्योंकि भूख थोड़ी बहुत रहती है शाम को तो ज़रूरी है। उसके बाद रिद्धू के लिए मैंने दूध निकाला, बाकी सबके लिए चाय, और साथ में ही खाने का टेंशन रहता है कि क्या बनाना है, ये तो बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि खाना क्या बनेगा, सब कुछ हो जाता है, बस यही समझ में नहीं आता है कि अब खाना क्या बनाना है। तो साथ में मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि क्या बनाना है, क्या बनाना है, और साथ में मम्मी के साथ में जाके डिस्कस भी कर रही थी कुछ बना, क्या बनाना है बता दीजिए मुझे।
चाय पीने का जैसे मैं किचन में आई, फिर एज़ यूजुअल डेली का रिद्धू का जो काम है, रिद्धू का अचानक से याद आया कि मामा मुझे होमवर्क करा दो। वैसे मैं पूरा दिन रिद्धू को बोलती रह जाती हूँ होमवर्क कर लो, पर रिद्धू एकदम नहीं सुनता है। जैसे ही देखता है अंधेरा हो गया है, तो इतनी सब रात हो गई है तो होमवर्क नहीं करूँगा तो मुझे अभी सुला देंगे मम्मा, और अगर सो जाऊँगा तो फिर मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगा, फिर मैं होमवर्क नहीं कर पाऊँगा, ये सब उसके दिमाग में रात होने के बाद आता है। तो फिर मैंने पहले होमवर्क करवाया, मैंने कहा ठीक है पहले आओ होमवर्क करवा देती हूँ, और होमवर्क बहुत आसानी से वो नहीं करता है। उसके साथ होमवर्क करवाने का मतलब है बहुत मेहनत करना, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि हाँ मैं अपने आप कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ होमवर्क कराने के लिए। फिर मैं किचन में आई, बहुत सोचा क्या बनाना है, तो फिर मैंने बनाया सबके लिए तहरी, और सारी वेजिटेबल्स डाल के तहरी बनाई मैंने, चावल का बनता है, और दिन के पराठे के लिए पूरी फीलिंग रखी हुई थी दोनों पराठे की। तो मैंने पापा के लिए पराठा बना दिया था, क्योंकि पापा तहरी नहीं खाते हैं, तो पापा के लिए मैंने दोनों पराठे बनाए थे, और मैंने सोचा आशी के लिए मैं कुछ बनाती हूँ, तो आशी के लिए मैंने बनाई थी वेजिटेबल टिक्की, मखाने की टिक्की थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। पर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, और फिर फाइनली इसका रिज़ल्ट क्या आया कि आशी को एकदम पसंद नहीं आई, आशी ने मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, और इतना गंदा वो मुँह बनाने लगी, बहुत सड़ा सा एकदम, उसको इसका टेस्ट नहीं पसंद आया। फिर इसके बाद मैंने सबके लिए तहरी बनाई, और आशी के साथ साथ टिक्की बन रही थी, पापा को मैंने खाना बना के खिला दिया था, पापा खा चुके थे, क्योंकि उनको मैं जल्दी खाना दे देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पहले उनको खाना खिला दूँ, क्योंकि वो दिन में नहीं खाते हैं कुछ भी, सुबह का ब्रेकफास्ट करके ही रहते हैं, उनको दोबारा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनको पहले ही खाना वाना खिला के दे देती हूँ, फिर वो सो जाते हैं, जल्दी सोते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने आशी का बनाया, आशी को दिया, आशी ने नहीं खाया, तो फिर मैंने आशी को कुछ और खिलाया। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।